गुड इवनिंग एवरीवन। आज तुम लोगों के लिए जो चैप्टर लेकर आया हूँ, उस चैप्टर का नाम है पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। ओके, फंडामेंटल टॉपिक्स हम लोग जानने वाले हैं पार्टनरशिप का, ठीक है, पूरा बैकग्राउंड के साथ, क्योंकि यही बैकग्राउंड आपका पूरा पार्टनरशिप को कंप्लीट करेगा। पार्टनरशिप फंडामेंटल्स, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, फिर आएगा चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर, फिर आएगा चैप्टर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, फिर डेथ ऑफ पार्टनर, ऐसे करते करते बहुत सारा पार्ट है, ठीक है। हर पार्ट में 100 से ज्यादा सम्स होंगे, मतलब पकड़ के रखो 700-800-900 क्वेश्चंस ही है, ठीक है, इतने ज्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे आप लोगों को। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंट्रोडक्शन में चलते हैं हम लोग। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, हम लोग एक्चुअली 1932 पार्टनरशिप एक्ट को पढ़ रहे हैं, उसी के बेसिस पे जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया हुआ है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का, वही चीज करने वाले हैं, ठीक है। अभी क्या रूल्स एंड रेगुलेशन लिखा हुआ है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ठीक है। मतलब पार्टनरशिप क्या है, दो या दो से लोगों का एक एग्रीमेंट है, जहां पे या तो दोनों काम कर रहे होंगे या कोई एक काम कर रहा होगा, एक काम नहीं कर रहा होगा, और प्रॉफिट्स जो होगा आपस में बांट लेगा। अभी क्वेश्चन आ रहा होगा तुम लोगों का कि अगर कोई काम नहीं कर रहा तो क्या उसको आप प्रॉफिट क्यों देंगे। तो ऐसा भी होता है कि कोई स्लीपिंग पार्टनर होता है, पैसा लगाया लेकिन ऑफिस नहीं जाएगा, और एक बंदा पैसे नहीं लगाया ऑफिस जा रहा है, काम कर रहा है, ठीक है। तो दो आदमी या दो से ज्यादा आदमी मिलके कुछ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करते हैं और उसका रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप एक्ट में कराते हैं, तो उसको पार्टनरशिप बोलते हैं, सिंपल सा। अभी बात है, नेक्स्ट चलते हैं फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। ये मैं पीपीटी भेज दूंगा तुम लोगों को, ठीक है। आप सीधी सी बात है, मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूँ। टू और मोर पर्सन, दो या दो से चार ज्यादा आदमी वाले ऑर्गेनाइजेशन को ही बोलते हैं पार्टनरशिप। दोनों के बीच एग्रीमेंट होगा। एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव, एक बिजनेस होना चाहिए जहाँ की प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पार्टनरशिप नहीं है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, जो प्रॉफिट आएगा उसको बांटने का एक प्रोविजन होना चाहिए। बिजनेस कैरिड ऑन बाई ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब या तो सब मिल के काम करेंगे या फिर कोई एक सबके लिए काम कर रहा होगा। मैंने बोला वो एक्टिव पार्टनर और स्लीपिंग पार्टनर का कंसेप्ट। अभी रिलेशन ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है ईच पार्टनर इज एन एजेंट, हर पार्टनर एक एजेंट है, ये सॉरी वहां पे ऐड हो गया, एज वेल एज अ पार्टनर ऑफ द फर्म, वो एजेंट भी है, पार्टनर भी है, मालिक भी है, सब कुछ वही है। एन एजेंट बिकॉज ही कैन बाइंड द अदर पार्टनर्स बाय हिज एक्ट, एंड प्रिंसिपल बिकॉज ही हिमसेल्फ कैन बी बाउंड बाय द एक्ट्स ऑफ द अदर पार्टनर। सीधी सी बात है, हर एक इंसान एक एजेंट है, एक दूसरे को बांध के रखता है, ठीक है, और हर एक पर्सन का, हर एक पार्टनर का एक दूसरे के प्रति एक ही टाइप का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, ठीक। नेक्स्ट, ये हमारा फीचर्स है, नॉर्मल सा कंसेप्ट था, ये तुम लोगों को मैं भेज दूंगा, पढ़ लेना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये पार्टनरशिप डीड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो, जब पार्टनरशिप हम लोग कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आएगा कि फ्यूचर में प्रॉफिट कैसे बांटे, किसको कितना काम करना है, कौन कितना इंटरेस्ट लेगा, क्योंकि मान लो कोई 2 लाख रुपया कैपिटल लगाया, कोई 10 लाख रुपया कैपिटल लगाया, तो क्या करेंगे, दोनों अपना अपना कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट लेगा, तो कौन कैसे लेगा। तो इसको ओरल भी रख सकते हैं या रिटन भी रख सकते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ यहाँ पे, सिंस पार्टनरशिप इज द आउटकम ऑफ एन एग्रीमेंट, इट इज एसेंशियल दैट देयर मस्ट बी सम टर्म्स एंड कंडीशंस एग्रीड अपॉन बाय ऑल द पार्टनर्स, कोई टर्म्स एंड कंडीशन होना चाहिए जो सबको मान्य हो, ठीक है। सच टर्म्स एंड कंडीशन मे बी आइदर रिटन और ओरल, या तो लिखा हुआ होना चाहिए या फिर मुंह से भी बोला हुआ भी चलेगा। द लॉ डज नॉट मेक इट कंपल्सरी टू हैव अ रिटन एग्रीमेंट, लॉ ये नहीं बोलता है कि आपके पास एक रिटन एग्रीमेंट होना चाहिए। However, in order to avoid all misunderstanding and disputes, it is always the best course to have a written agreement duly signed and registered under the act. और ये written agreement को ही बोला जाता है partnership deed. मान लो यहाँ के जितने भी student है, कितने, मैं दो का example लेता हूँ, आदित्य और वंश है, ये दोनों मिलकर partnership start किया। अब partnership start किया तो profit का इन लोगों ने
सोचा कि आधा आधा कर लेंगे, 50-50 बांट लेंगे हम लोग प्रॉफिट, 50-50 बांटेंगे, ओरल था, बाद में क्या हो सकता है, डिस्प्यूट हो सकता है ना, ठीक है, क्या ना ना ऐसा था कि 70-40, 60-40 का रेशियो था या कुछ और, तो ओरल में प्रॉब्लम होगा। तो दोनों ने क्या किया, आदित्य और वंश ने एक रिटर्न एग्रीमेंट बना लिया कि ले लास्ट का बात का कोई झंझट ही नहीं है, दैट रिटर्न एग्रीमेंट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। ओके, अब ये पार्टनरशिप डीड में क्या क्या होता है, तो सबसे पहला नेम एंड एड्रेस होता है फर्म का, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, ठीक है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, नेचर एंड प्लेस ऑफ द बिजनेस, ड्यूरेशन इफ एनी ऑफ पार्टनरशिप, अगर सपोज 2-3 साल के लिए अगर कोई पार्टनरशिप खोला है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय ईच पार्टनर, कौन कितना पैसा लगाएगा या लगाया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, ड्रॉइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कौन कितना ड्रॉइंग करेगा, कौन कितना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, किस रेशियो में प्रॉफिट को बांटेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर सपोज बिजनेस से लोन उठाया तो उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना जाएगा, पार्टनर सैलरी एंड कमीशन। ये पार्टनर सैलरी एंड कमीशन सुनना, मान लो कोई फुल टाइम ऑफिस में काम कर रहा है, ठीक है, सुबह 9 बजे दुकान खोलता है, रात को 9 बजे दुकान बंद करता है, लेकिन कोई बंदा ऐसा है एक पार्टनर जो सिर्फ 2 घंटे के लिए आता है, ठीक है, तो दोनों को जो जो दिन भर काम कर रहा है उसको बुरा लगेगा ना, वो दिन भर काम कर रहा है, ठीक है, तो उसको तो कुछ एक्स्ट्रा पैसा मिलना चाहिए ना, तो इसीलिए पार्टनर सैलरी डिसाइड किया, जो जितना काम करेगा उसके बेसिस में अपना सैलरी भी एक्स्ट्रा लेगा, जो जितना सेलिंग कराएगा उस सेलिंग के बेसिस पे अपना कमीशन भी लेगा, दैट इज कॉल्ड पार्टनर सैलरी एंड पार्टनर कमीशन, ये सब भी मिलता है पार्टनरशिप। फिर क्या है नेक्स्ट, 11 नंबर, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड एसेट्स, गुडविल का वैल्यू कैसे किया जाएगा, ठीक है, आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे ये चीज के बारे में, इसलिए इतने ज्यादा ध्यान नहीं देना है। अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म एंड ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, अकाउंटिंग पीरियड बोलने का मतलब कि हम लोग दिसंबर टू जनवरी टू दिसंबर फॉलो करेंगे या अप्रैल टू मार्च फॉलो करेंगे, ये सब चीज। राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स, हाउ डिस्प्यूट्स विल बी सेटल, अगर डिस्प्यूट हुआ तो कैसे सेटल किया जाएगा, किसका क्या राइट होगा, क्या ड्यूटीज होगा, वो सब भी लिख के रखते हैं इसमें पार्टनरशिप डीड में। जब रिटेन एग्रीमेंट ही बनाना है, ठीक है, ये पार्टनरशिप डीड का बहुत काम आएगा आगे चल के, अगर रिटेन एग्रीमेंट ही बनाना है तो सब कुछ लिख लेते हैं ना, एक भी चीज नहीं छोड़ते। डिसीजन 14 नंबर में है, डिसीजन टेकन इफ सम पार्टनर बिकम्स इंसॉल्वेंट, अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाएगा तो क्या करेंगे, ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट वेयर एज इट विल बी इन द नेम ऑफ फर्म और पार्टनर्स, अब बैंक अकाउंट खोलेंगे, कहाँ खोलेंगे, ये बैंक अकाउंट किसके नाम पे होगा, फर्म के नाम पे होगा या दुकान के नाम पे होगा या फिर पार्टनर्स का पर्सनल नाम पे होगा, ये सब भी लिखा जाता है। रूल्स टू बी फॉलोड इन केस ऑफ एडमिशन एंड सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स और रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर, अगर कोई नया पार्टनर बिजनेस में आता है तो उसको बोलते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर, अगर कोई आदमी बिजनेस को छोड़ के जाता है तो उसको बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, कोई मर जाता है तो उसको बोला जाता है डेथ ऑफ पार्टनर, ठीक है, तो ये सब केस में किस तरह से क्या क्या रूल्स फॉलो होंगे वो भी लिख लिए, कि सपोज वंश और आदित्य मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, चेतन बिजनेस को एंटर करना चाह रहा है, अगर कोई नया बंदा आएगा तो क्या क्या करेंगे हम लोग, चेतन आदित्य और वंश मिलकर बिजनेस कर रहा है, अभी वंश बोल रहा है मैं बिजनेस को छोड़ूंगा, ठीक है, तो रिटायरमेंट हो जाएगा वो, ठीक है, ये सब चीज एक एक चैप्टर आएगा, मैं सिर्फ बैकग्राउंड क्रिएट कर रहा हूँ। फिर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी इफ एनी टू बी डन, अगर रिवैल्यूएशन हुआ तो मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ फर्म्स अकाउंट, कौन सा मेथड फॉलो करेंगे, ये दो मेथड होता है, एक एक्रुअल बेसिस होता है, एक कैश बेसिस होता है, ऑडिटिंग कैसे किया जाएगा और डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप क्या होगा, एक नॉर्मल सा कंसेप्ट है, ठीक है, ये सब चीज लिखा जाता है पार्टनरशिप डीड। अभी बात है पार्टनरशिप डीड होने से क्या फायदा है, अगर पार्टनरशिप डीड है तो इट रेगुलेट्स द राइट्स ड्यूटीज एंड लायबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर, सबका राइट्स क्या है, सबका ड्यूटीज क्या है, सबका लायबिलिटी क्या है, सबको पता रहेगा, ठीक है, इसलिए पार्टनरशिप बना के ही करना बढ़िया होता है। इट हेल्प्स टू अवॉइड एनी मिसअंडरस्टैंडिंग अमॉन्ग्स द पार्टनर बिकॉज ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप हैव बीन लेड डाउन बिफोर हैंड इन द डीड, ठीक है, जितना भी मिसअंडरस्टैंडिंग होगा उसका कैसे किया जाएगा, ठीक है, सारा टर्म्स एंड कंडीशन लिखा रहने से मिसअंडरस्टैंडिंग
नहीं होगा, ठीक है, सब कुछ लिखा रहेगा था. एनी डिस्प्यूट अमॉन्ग द पार्टनर्स मे बी सेटल्ड इजीली एज द पार्टनरशिप डीड मे बी रेडीली रिफर्ड. अगर पार्टनरशिप डीड रहेगा, अगर फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट आया भी तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा. मतलब ये बहुत रिटन एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है, और सबको पता है कि रिटन एग्रीमेंट मार्केट में होता है. ठीक, चलिए ये ठीक है. अभी बात है क्या, अगर पार्टनरशिप डीड है तो फिर पार्टनरशिप डीड में जो लिखा हुआ है वो सब चीज कीजिए. जैसे यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा 6 नंबर पॉइंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो पार्टनरशिप डीड में लिख दिया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% मिलेगा. ठीक है, उन लोगों ने पहले से डिसाइड कर लिया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड कर लिया. तो एग्रीमेंट अगर पार्टनरशिप डीड है तो सारा कैलकुलेशन जर्नल एंट्रीज अकाउंट सब ये डीड्स के वजह से ही फॉलो होगा. लेकिन अगर डीड नहीं है, ये वाला कंडीशन दिख रहा है सबको, रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप. अगर मान लेते हैं यहां से ही मेन काम स्टार्ट है, हाँ सुनिएगा, हाँ, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या करेंगे, जो एकदम याद रखने वाला चीज है, एग्जाम में नहीं बोलेगा. ठीक है, सबसे पहला है, असल में ये ब्लू पेंसिल ब्लू कलर से लिखा हुआ है, वो कोई हेडिंग नहीं है, वो पॉइंट्स है. हाँ, मेरा वहां पे अलग जगह पे मैंने लिख दिया था. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या करना है, इक्वल. अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, सब पार्टनर बराबर बराबर बांटेगा, पहला बात. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. पार्टनरशिप डीड नहीं है, किसी को इंटरेस्ट नहीं मिलेगा. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं देगा. सैलरी और कमीशन, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो किसी को सैलरी और कमीशन नहीं मिलेगा. इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर, अगर कोई पार्टनर लोन लिया है, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट इज अलाउड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम. अब मैं इसका निचोड़ बताता हूं. क्वेश्चन में अगर बता दिया कि 6% इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग सैलरी इतना बता दिया, इसका मतलब पार्टनरशिप डीड है और वहीं से क्वेश्चन में दे रहा. लेकिन अगर क्वेश्चन में नहीं बोला हुआ है तो सब कुछ छोड़ देंगे, सिर्फ दो चीज करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% जाएगा और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगा. ठीक है, ये चीज याद रखना है तुम लोगों को, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% होगा और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगा. बस इतना ही याद रखना है अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगा तो. ठीक, अभी हम लोग आते हैं सम्स कैसे बनेगा. तो सबको एक बार रिप्लाई करना बाबू, ठीक है, ये जस्ट मैं बैकग्राउंड क्रिएट कर रहा था, एक बार रिप्लाई करना. ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर जर्नल दिख रहा है स्क्रीन पे? यस सर. ऑडियो ऑन कोई मत करना, सिर्फ मैसेज को यूज करेंगे. ठीक है, चलिए दिख रहा है अभी. अब मेन पार्ट है, मैं वहां पे बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ निकाला है. जल्दी जल्दी निकालने का सबसे बड़ा रीजन ये था कि वो इरिलेवेंट पॉइंट थे, उतने ज्यादा काम के नहीं थे, बस नॉलेज के लिए बता रहा था. काम तो यहां से चालू. तो देखो, सबसे पहले पार्टनरशिप है क्या. पार्टनरशिप है जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर एक बिजनेस करते हैं. ठीक है, उसको बोला जाता है पार्टनरशिप. अभी पार्टनरशिप में भी प्रॉफिट होगा. ठीक है, जैसे हम लोग क्लास 11 में सीखे थे, क्या सीखे थे कि हाँ, हम लोगों का क्या निकलता था, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, ग्रॉस प्रॉफिट निकालते थे. इज दैट क्लियर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, नेट प्रॉफिट निकालते थे. ये भी क्लियर होगा, यहां तक हम लोग करते थे. अगर मान लो ए बी सी या ए बी दोनों मिलके पार्टनरशिप कर रहा है तो उन लोग भी ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, उन लोग भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, नेट प्रॉफिट बनाएंगे. कैसे? जैसे पहले बनता था. अब क्या होगा, उन लोग एक एक्स्ट्रा अकाउंट बनाएंगे जिस अकाउंट को बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट.
ठीक है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा तुम लोगों को। ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, देन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। अभी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का एक फॉर्मेट है, ठीक है, ये फॉर्मेट के लिए कुछ जर्नल एंट्री याद रखना पड़ेगा, ठीक है। जनरली कुछ आइटम्स है मैं यहां से बता दे रहा हूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स लोगों ने जो कैपिटल लगाया उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होगा, पार्टनर्स लोगों को अपने काम के हिसाब से सैलरी एंड कमीशन मिलेगा, ये लोग अपने प्रॉफिट से कुछ पोर्शन रिजर्व में जमा करेंगे, और अगर ड्रॉइंग किए हैं तो वहां से इंटरेस्ट एडजस्ट करेंगे। ये चार आइटम मेन आइटम, ठीक है। अब ये सब आइटम को, मतलब एक चीज सबको समझ में आ गया है, ग्रॉस ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। अभी ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनेगा वही इस चैप्टर में हम लोगों को सीखना है। आई रिपीट, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनेगा वही इस चैप्टर में सीखना है। ओके, अब ये कैसे बनेगा, तो कैसे बनेगा अगर देखना, ये क्रेडिट साइड में सबसे पहले जो तुम्हारा प्रॉफिट, ये मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, पहले ट्रेडिंग, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सबसे पहले क्या होगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बाई साइड में नेट प्रॉफिट आएगा। नेट प्रॉफिट कहां से आएगा, क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, ये हमेशा क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा नेट प्रॉफिट। ओके, इस नेट प्रॉफिट को यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है, ये नेट प्रॉफिट यहाँ पे डाल दीजिए, डल गया। अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ डेबिट में डालिए, बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी डेबिट में डालिए, दोनों को ऐड करके टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाहर। फिर पार्टनर सैलरी है तो ए का पार्टनर सैलरी डालिए, बी का पार्टनर सैलरी डालिए, दोनों को ऐड करके बाहर। कुछ रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हैं उसको डालिए डायरेक्टली बाहर। अगर ड्रॉइंग किए हैं उस ड्रॉइंग के ऊपर इंटरेस्ट निकालिए, ए का ड्रॉइंग का इंटरेस्ट, बी का इंटरेस्ट निकालिए, ठीक है, और उसको बाहर। अभी बाई साइड में कितने आइटम हुए, दो आइटम हुए, कौन सा, एक और ये एक, दो, ठीक है, एक और एक, दो, और इधर डेबिट साइड में एक दो तीन आइटम हुए। तो हम लोग वही पुराना कंसेप्ट निकालेंगे, क्या जो ज्यादा है लिखेंगे नीचे टोटल, और डिफरेंस निकालेंगे, जैसे नेट प्रॉफिट निकालते थे, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट निकालते थे, वैसे ही डिविजिबल प्रॉफिट निकलेगा। ये वाला फिगर, ये वाला फिगर दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये निकलेगा, ठीक है। इधर टोटल ऐड करेंगे ये आएगा, उसमें से एक दो तीन ये को माइनस करेंगे तो ये वाला डिफरेंस आ जाएगा। सेम एज ट्रेडिंग अकाउंट, सेम एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसी का नेक्स्ट पार्ट है। जो भी डिविजिबल प्रॉफिट आएगा एज पर गिवन रेशियो ए और बी में बांट देंगे, ए और बी में बांट देंगे। ओके, इज दैट क्लियर? एनी, अगर कोई डाउट होने से काइंडली मैसेज, कोई डाउट होने से मैसेज करना, वरना मैं कंटिन्यू आगे बढ़ूंगा। ओके, नो वन इज रिप्लाइंग, ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसका वापस से स्लाइड्स में चलते हैं। तो इसका कुछ जनरल एंट्री है जो तुम लोगों को याद रखना है, यहाँ से कॉपी करने की कोई जरूरत नहीं है, ये सारा मैं आप लोगों को भेज दूंगा, आप लोग कॉपी में कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। ये जर्नल एंट्री यहाँ से आप लोगों को कॉपी करना, एक असल में यहाँ से नहीं, ये रूल्स एप्लीकेबल इन 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 एब्सेंस ऑफ, कोई मैसेज किया, जस्ट अ मिनट सर, एक बार फिर से समझा दीजिए ना प्लीज, क्यों क्या हुआ, ठीक है, अच्छा चलो ये क्लियर हो जाएगा अभी, ठीक है। और ये रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप, रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप, यहां से कॉपी करोगे तुम लोग, ठीक है। आता हूं वापस से एक्सप्लेन कर दूंगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में चलते हैं, ठीक है। तो क्या है, सबसे पहले जो नेट प्रॉफिट आया होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उसका जर्नल एंट्री करेंगे। फॉर ट्रांसफर ऑफ बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंट्री होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। I repeat, profit and loss account debit to profit and loss appropriation account. तो appropriation में कौन से side में जाएगा? Buy side में। सुनना यहाँ पे, हाँ। फिर for interest on capital,
तो इसका दो एंट्री है, पहला है फॉर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और दूसरा है जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अप्रोप्रिएशन में भेजना पड़ेगा। तो एक एंट्री होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करेंट अकाउंट और दूसरा होगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, जस्ट सम्स बनेगा तो सारा जर्नल समझ में आ जाएगा। इस सैलरी कमीशन के लिए क्या एंट्री होगा, फॉर अलाउइंग सैलरी और कमीशन टू अ पार्टनर, पार्टनर सैलरी और कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करेंट अकाउंट, ठीक है। और फिर क्या है, फॉर ट्रांसफरिंग पार्टनर सैलरी ऑब्लिक कमीशन टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी या कमीशन अकाउंट, ये दो एंट्री होगा, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में जनरल एंट्री पूछते हैं तो ये दो एंट्री करना होगा। अमाउंट क्या होगा वो बात की बात है, आप लोगों को मैं जनरल एंट्री बता दे रहा हूँ ताकि ये पता चल जाए कि ये चीज करना है। फॉर ट्रांसफर ऑफ रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट टू रिजर्व अकाउंट, जितना रिजर्व जाएगा, ठीक है, ये एंट्रीज वगैरह। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के लिए ये दो एंट्री है और प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस आएगा, मतलब जो डिविजिबल प्रॉफिट आएगा, ये डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, ये डिविजिबल प्रॉफिट का ये एंट्री होगा, ये जर्नल एंट्री है। ओके, तो मैं एक्चुअली ये आज जो मैं स्लाइड लेकर आया हूँ ये तुम लोगों को मटेरियल्स देने के लिए कि थोड़ा मटेरियल्स को समझ के कॉपी में उतार लेना, ठीक है, इसलिए मैं एक्चुअली ये वीडियो लेकर आया हूँ, ठीक है। जब तक सम्स नहीं बनाऊंगा ना ये क्लियर नहीं होने वाला है, ठीक है, सबको समझ सुनाई दे रहा होगा, जब तक सम्स नहीं होगा तब तक ये चैप्टर का कुछ भी आइडिया नहीं होगा। तो कुछ जनरल एंट्रीज है जो कि मैं पीपीटी, अच्छा तुम लोगों को मैं पीपीटी शेयर करूंगा तो तुम लोगों का पीपीटी चलेगा मोबाइल में, कभी चला के देखे हो? अच्छा कोई बात नहीं। यस सर, ऐप डाउनलोडेड सर, ऐप डाउनलोडेड है, बहुत अच्छा बात है, मैंने बोला मैसेज में रिप्लाई करना बाबू, ठीक है। आतिशा टू एवरीवन, यस सर, ठीक है। तो मैं ना ये पीपीटी को अभी ग्रुप में डाल दूंगा थोड़ा सा क्लास खत्म करने के बाद, ठीक है। ये पीपीटी देख के तुम लोग यहां से लेकिन कॉपी कर लेना ये वाला पार्ट से, ये रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, यहां से तुम लोग पूरा कॉपी करोगे, इसमें थोड़ा भी छोड़ना नहीं है, ठीक है। यही रूल्स एंड रेगुलेशन है जिसपे सम्स बनेगा, ठीक है। चैट सर, हम लोग एसएस से ले सकते हैं, एसएस मतलब क्या होता है, एसएस मतलब सुनील शर्मा, एसएस मतलब अरे बाप रे बाप, नहीं नहीं अभी मत लिखो, अभी लिखते स्क्रीनशॉट, बाप रे बाप, तुम लोग बहुत एडवांस हो, ले सकते हो बेटा, ले सकते हो, मैं रोकू क्या, मैं रुकता हूँ, हाँ तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत अच्छा रहेगा, अगर सपोज किसी का पीपीटी नहीं चल जाए तो बहुत काम आ जाएगा, ठीक बोले। ये रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, स्क्रीनशॉट ले लो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जर्नल इसका ले लो स्क्रीनशॉट, ओके। फर्स्ट कमीशन ये वाला जो पार्ट है इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगर सपोज किसी का छूट जाएगा तो एक दूसरे को शेयर हो जाएगा, टेंशन का बात नहीं, कोई ना कोई तो लिया ही होगा। फिर ये वाला ले लो, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट ले लो, ठीक है। अच्छा एक मजे का बात बता रहा हूँ, मैं ये स्लाइड लेके आया क्यों, अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ना, दिख रहा है सबको, सबका स्क्रीन पे ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट होगा, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, रुको कुछ लोग मैसेज किए हैं, जस्ट अ मिनट सर, ले लिया, वाह बहुत अच्छा सर, आप शेयर कर दीजिए, हो जाएगा, ठीक है, मैं शेयर भी कर दूंगा बेटा, ले भी लो, क्योंकि किसी का अगर पीपीटी नहीं चला तो फिर क्या करोगे, ठीक है। और याद रखना पीपीटी को किसी को शेयर मत करना तुम लोग, काइंडली, ये सिर्फ तुम लोगों के लिए, हाँ।
अच्छा तो मैं एक्चुअली कल से यूट्यूब लिंक सब भेजूंगा, ठीक है? अभी लिंक पार्टनरशिप बहुत बड़ा चैप्टर है, मैं ना एक बार में सारा चीज बना के नहीं भेज सकता, मेरे को ना घंटे भर का वीडियो बन जाएगा, बहुत प्रॉब्लम होगा। कल मैं एक वीडियो भेजूंगा जिसमें हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का होगा, ये भी कितना भी कम करूं हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का 20 मिनट का वीडियो बनेगा, हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसका भी 15-20 मिनट का वीडियो बनेगा, समझ में आ रहा है बात ना? हाउ टू कैलकुलेट पार्टनर सैलरी, ये सब चीज। तो पहले मैं छोटे छोटे टॉपिक्स पर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, बाद में फिर इसको एक्यूमुलेट करूंगा। इज दैट क्लियर? बात सर आप जूम पे ही लिख के हमारा सॉरी जूम पे ही कर लीजिए हमारा क्लास। नहीं बेटा जूम पे नहीं होगा, कभी कभी नेटवर्क रुक जाता है ना तो बहुत प्रॉब्लम होता है, ठीक है, इसलिए। और यूट्यूब में क्या होगा तुम आगे पीछे कर करके देख सकते हो। और आज वाला क्लास में जूम पे क्यों नहीं आया, सॉरी यूट्यूब पे क्यों नहीं किया, ये इतना बड़ा चीज मैं जूम पे नहीं डाल सकता, ठीक है, मेरा भी कैपेबिलिटी है, इतना बड़ा चीज पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है, या जो भी हो। तो कल मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का वीडियो एक फुल बनाऊंगा, ठीक है, उस वीडियो को मैं बता दूंगा, उस वीडियो पे फिर सम्स वगैरह तुम लोग बनाना, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे बनाऊंगा, फिर पार्टनर सैलरी पे बनाऊंगा, फिर ये सब चीज जब इंडिविजुअल कैलकुलेशन तुम लोग को आ जाएगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, रिजर्व सब कैसे निकालना है, तब ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आसानी से बन जाए। और एक बड़ा मजे का बात बताता हूँ, पहला चैप्टर हो गया ना तो दूसरे तीसरे चौथे चैप्टर आराम से निकलेगा, तो पहला चैप्टर में थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। चलो उसके बाद अभी तो एक तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन करना पड़ता है, अभी पार्टनर्स कैपिटल इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना होता है, पार्टनर्स कैपिटल मतलब जितने भी पार्टनर्स है उसका कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ता है, ठीक है। हम लोग नॉर्मली पहले कैपिटल अकाउंट नहीं बनाते थे, ठीक है, एक ही एंट्री होता था कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, लेकिन अभी बनाना जरूरी है, ठीक है। क्यों बनाना जरूरी है ये हम लोग सम्स में कल बाद में देख लेंगे। लेकिन कैपिटल बनाने का, कैपिटल अकाउंट बनाने का दो मेथड है, एक फिक्स्ड कैपिटल मेथड और एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, एक फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में दो अकाउंट बनते हैं, कैपिटल अकाउंट एंड करेंट अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में क्या बनते हैं, दो अकाउंट बनते हैं, एक कैपिटल अकाउंट और एक करेंट अकाउंट, ओके। और ये है फॉर्मेट, इसका स्क्रीनशॉट जरूर लेना, ये थोड़ा सा धुंधला भी आ सकता है, तुम लोग समझदार हो कर लेना। ये पेज का ले लिए बेटा? चलो यस सर, ओके आगे बढ़ते, इसका ले लेना। हाँ ये पार्टनर, असल में फिक्स मेथड में एग्जाम में बनाना क्या होता है, तुम लोग का क्वेश्चन हो सकता है कि सर एग्जाम में क्या बनाना है, इतना चीज तो हमको बता रहे हैं, आज मटेरियल मैं तुम लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ, याद रखना। एग्जाम में क्या होगा, एग्जाम में होगा प्रीपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रीपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडर फिक्स कैपिटल मेथड, प्रीपेयर पार्टनर्स करेंट अकाउंट अंडर फिक्स कैपिटल मेथड, ये सब चीज होता है, ठीक है, और सब इंटर रिलेटेड है। उसके बाद एक और मेथड क्या था, सेकंड मेथड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। इसका फॉर्मेट है ये रहा, ठीक है। अभी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से कैसे अकाउंट्स बनते हैं, ठीक है, तो ये मटेरियल्स मैं तुम लोगों को आज प्रोवाइड कर रहा था।